लाइटिंग आ गई है उसमें से थोड़ी लाइट उधर मढ़ा ले थोड़ी लगती। हाँ जी जी बटल न्यूज़ तो अस्सलाम वालेकुम जी, जफर इकबाल अर्ज कर रहे हैं जी, और इस टाइम तरीक मलक फात जी मदीना रोड असनाल, इस टाइम असनाल बैठे थे इस टाइम जनाब सफीर खान साहब और रियासत खान जहांगीरी साहब हैं, इनको तो सब तो पहले तो उम्र की मुबारकबाद असी पेश कर दें और खुश नसीब हैं माशाल्लाह इन्हें उम्र किया उस तो बाद मदीने की ज्यारत की है, मदीने तो बाद फिर कल असं को आए थे रियाज और इस टाइम सोचे थोड़ा टाइम समय है इन्होंने को फिर कहना जरा ये रियाज द शेर क्योंकि इन्हें गुनागुन मसरूफियात हैं। इस टाइम असी तरीक मलक फात मदीना रोड थे और ये थे राइट साइड ते अगर सफीर भाई अगर कैमरा फिर के दस अगर तुम दे इसको आते ना फैसलिया ये जरा राइट साइड तो नज़र आ रही है इसको फैसलिया आते नहीं फैसलियट इस तो थोड़ा फिर आगे निकल गए मुमलिकटा और आदम से ये ऐसे रियाज दे विच मेन और ख़ास मशहूर जीन जिन्हें अगर जो कोई भी है अगर वो तस्वीर देख दें सऊदी भी रहने वाला बंदा उसको समझ आ जुलती है कि सऊदी भी कड़ा शहर है खासकर रियाज के अंदर। बाकी यूसुफ खान भाई की कमी असी महसूस कर सा कि उन्होंने एक बड़े करीबी कोई अजीज असी उन्होंने कहन गए ना सौ अगर वो नाल आते तो इस महफल का रंग दुबाला हो जाता। बाकी इस टाइम असी और भी असें साफी बरादरी है जिस तरह गुलाम रसूल मुखलस साहब हैं और सैयद रमजान शाह साहब बड़ी याद आती है जो असी खासकर किसी दावत से होंगे खाने की मेज से टेबल से होंगे तो असं रमजान शाह की बड़ी याद आती है असा उन्होंने भी खुदा तौफीक दे बड़े असं हाँ उम्र की भी तो नाल मजीद और भी उन्होंने को बहुत अच्छे इंसान है अस मोहतरम है खासकर गुलाम रसूल भाई नाल तो बहुत पुराना तालक है। ये सफीर भाई साहब तो सोचा नजर आ रहे जी ये मुमलिका टावर है जी 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 जो बने देने जी इसको मुमलिका टावर आते हैं जी ये मन हाल कोई 90 फ्लोर तक है या 70 फ्लोर है या 90 फ्लोर मन हाल है और उसका 80 तो 90 रियाल मन हाल पर है टिकट इसका जरा और कोई टाइम भी इससे मुकर है मन हाल है वो तो लास्ट फ्लोर तक जुलना वास्ता ना जी पहले 50 रियाल होंदा सा तो उन टिकट बढ़ा के ना सो हाल 80 या 90 रियाल कर छोड़े देखते हैं अगर मौके की मुनासिबत हो तो असी इस तरह भी फिर विजिट किस टाइम करते इंशाल्लाह। ये राइट साइड से सफीर भाई तुम दस सकते हो ये मुमलिका टावर है और तुसन बटल न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के जरिए और तुसन के वसात नाल असी बटल छत्र फ्लाई तंजीम वास्ते जिहड़े बटल छत्र दे असां लोगों मिलके एक तंजीम बनाई असी उस सिलसिले के बिच असां कल दे एक प्रोग्राम अरेंज किए
जिसकी खसूसी शिरकत बिच असा सफीर खान साहब तो सौंगो रियासत खान जहंगीरी साहब हैं यूसुफ खान साहब हैं और असंदे पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के कोआर्डिनेटर रियाज रेजन तो जनाब अरशद तबसम साहब हैं जिन्हें ताल्लुक पाकिस्तान सियालकोट तो है। अस उन्होंने को भी इनवाइट की थी दे मसरूफियात उन्होंने अपनी दसी हैं लेकिन कोशिश कर सन इंशाल्लाह कल रियाज शहर के इंशाल्लाह असा इतने वादी लबन भी जो प्रोग्राम अस अरेंज किए दे जड़ी ढाई तो त्रै बजे तक इंशाल्लाह और असंदे जितने भी रियाज रीजन के जो बटल छतर प्लेन के रहने वाले से दोस्त अहबाब हैं खासकर जो बटल छतर फ्लाई तंजीम जो ग्रुप लीडरान हैं उन्होंने तो रिक्वेस्ट कर सा कि कल जड़े दो तो ढाई बजे तक जड़े अपनी हाजिरी यकीनी बनाव और इस दे विच असी एक मुशावरत कर सा एक मशवरो सी उस दे विच जड़े अपनी राय भी देवन और ज़्यादा राय और मंशूर जड़े उसको असी थोड़ा अपडेट करना सा जनाब सफीर खान साहब तुसी खिदमात कन सा रियासत खान जहंगीरी साहब हैं फिर इसी तरह यूसुफ खान साहब हैं और चौदह और अस्ते दो साहबाब हैं जिस तरह अब्दुल अयाज साहब हैं अस्ते और बाकी हाजी नियामत खान साहब हैं जो मौजूदा टाइम से इतने नहीं पाकिस्तान बच्चे हैं लेकिन उन्होंने बड़ी खिदमात हैं इस बटल छत्र फ्लाई तंजीम के हवाले नाल स्टार्टिंग भी जो बुनियाद रही अस बड़ी जदोजहद की असा नाल अला उन्होंने जाय खैर दे हाजी साबर साहब हैं जो गुजरे दिन उन्होंने वालदा फौत हुई पाकिस्तान गए दिन इतने जो मौजूदा अहबाब हैं जिम्मेदारान मैं उन्होंने तो दरख्वास्त कर सा कि कल का जो प्रोग्राम है उस अपनी हाजिरी को मुकम्मल यकीनी बढ़ावन ताकि इस तंजीम का ढांचा जो मुकम्मल हो गया ये अधूरा रहे दो साल तो असी कोशिश कर रहे हैं गुना गुन मसरूफियात हर इंसान की टाइम नहीं मिलता कसा को लेकिन कोशिश ही उसी इंशाल्लाह कि कल जो प्रोग्राम उस बिच इंशाल्लाह इस तंजीम का ढांचा मुकम्मल कर सा और इस दे विच असे सफीर खान साहब रियासत खान और यूसुफ खान साहब जो स्पेशल अस गेस्ट ने असन बुलाए दिन इस तंजीम के हवाले न असन की रहनुमाई भी कर सन ते बाकी भी इंशाल्लाह साथियों नाल मुलाकात भी हो सन इंशाल्लाह। इत हर एक किलोमीटर के फासले तक असी दसा जी एशिया का सब तो मशहूर सब तो बड़ा बिजनेस सेंटर है अब्दुल्ला सिटी उसको आते हैं असी उस भी हम राउंड मारसा दसा चेक कर सौ उसको भी दसा अगर गेट ओपन होए कोशिश कर सा तुसों को अंदर फेरने की अब्दुल्ला सिटी के अंदर न हो तो बहरों तुम उसका नज़ारा कर रखते हो जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर इकबाल भाई असे तो समझती काफ़ी मेहमानवाजी की थी काफ़ी इज्जत की थी असे रियासत खान जहंगीरी में और यूसुफ खान हस्ता उम्र का प्रोग्राम चौदह दिन दी असा मजीद छः दिन इसी वास्ते रहे से कि असे उसे बहुत ज्यादा तरकदार हैं दोस्त हैं फॉलोअर हैं ते अस ताकि इन्होंने ध्याड़े में उन्होंने भी मुलाकात करके ना ते अस इंशाल्लाह उमरा बड़ा अदा किते ते अस जफर इकबाल भाई और दूसरे संगी जड़े अस्ते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा असों को उनकी ख्वाहिश ऐसी कि रियाज आवा ते अस इनकी दावत आए हैं माशाल्लाह ना कल अस पहुंचे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत एहतराम की था मेहमानवाजी की थी ते अज असे बहुत ज्यादा लोग जो चाहन कि असों को आवेन असों को रहन असों को रोटी खावेन अस चाह पीवेन ते अस जफर भाई नाल अस सारी जगह खड़सन जिते जिते अस लोग जो तलकदार हैं उन्होंने मुलाकात भी उसी और बाकी जो सऊदी अरब की सैर भी कर सा रियाज की
आप शेयर कर सा ते नाल असन दी कोशिश है कि असन अपने फॉलोअर व्यूअर जड़े उनों को भी असि दसा ते इथे ते सऊदी अरब बहुत बड़े इस इलाके दे लोग हैं पाकिस्तान दे लोग हैं लेकिन उन्हें शायद उन्हें सुन आप भी देखे हो सऊदी अरब या शायद आप भी ना देखे हो लेकिन असी कोशिश है अपने व्यूअर को भी दसा अपने फॉलोअर को भी दसा बहुत खूबसूरत मुल्क है बहुत खूबसूरत शहर है सऊदी अरब का दार खिलाफ है रियाज और बड़ा अच्छा सिस्टम है इस वास्ते से नाल नाल आप भी देखते हैं नाल तुसों को भी दसते हैं ते इंशाल्लाह मजीद भी ऐसे एक दो दिन स्टे अस्ते है थे मजीद ते इंशाल्लाह जो एक्टिविटीज हो सी तुसों शेयर कर सा इत्थे पाकिस्तानी जो लोग आए दिन रोजगार दी सिलसिले में उन्होंने मुलाकात कर सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू कहसा कि वो थे किस तरीके तय कितने खुश हैं कितने परेशान हैं और उन्हें भी वैसे साठ कह सा और इंशाल्लाह तो सू उनकी मुलाकात करा सा ते बस जड़ी सूरत यार उसी नाल नाल तो सू चलते रह सा इस वे जफर भाई नाल हाँ इस वे थोड़ा जहा टाइम आसा ते असा तुरो सऊदी अरब ऐसे भी थोड़ा जहा फिर गए जफर भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम उस इतनी मसरूफियत के बावजूद अपने मामलात को थोड़ा जहा पेंडिंग किया और उन्होंने को छोड़ के असन नाल आए दिन और असन टाइम गुजार सन इन्हें भी अस शुक्रिया अदा करते हैं ते इस तो बाद इंशाल्लाह असं वापस जुदसा वापस असा प्रोग्राम है कि असें दो रमजान या तीन रमजान जड़े असं वह भी मक्के भी गुजारा और उ फिर असें उम्र अदा करो फिर उसकी वापसी हो इंशाल्लाह जी सफीर भाई बहुत मेहरबानी शुक्रिया असा तो भी खिदमत कर ही ना सकी जी कोशिश तो कर रहे हैं अद्ध जी कोशिश होंगी असं इतने कोई भी आवे मेहमान है नस्ते सिर के फुल सिर ताज हैं असों बड़ी खुशी महसूस होंगी है खासकर अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा फजलो करम तुसने किया अल्लाह पाक तुसी अपने घर स्वास्थ्य कबूल की हो चलो उम्र भी हो गया बेतुल्ला शरीफ का तवाफ है रोज़ रसूल की हाजरी मुकदस मकाम की जियारत ये बहुत खुश नसीब होंगे इंसान जिसको अल्लाह पाक ये तौफीक दें दे। अल्लाह पाक तुस ताना कबूल फरमावे जी असी दुआगो हाँ ये सफीर भाई तुसी लेफ्ट साइड से तुसों जी बिल्डिंगा नज़र आदि जी इसको आते हैं अब्दुल्ला सिटी इसको शायद कमरे अंदाजे मुताबिक इसको ना तो असं सुने है या एशिया का या वर्ल्ड दसते हैं सब तो बड़ा बिजनेस सेंटर इसको आते हैं बाकी अदना जी मालूम असं मैं शेयर कर रहे हैं लेफ्ट साइड से खजूर के बूटे नज़र आ रहे हैं हर इस पर कैमरा सही नज़र ना असी तुम थोड़ा अगर निकल गया इंशाल्लाह असी सराउंड भी लाने हैं बाकी नाल नाल सफीर भाई असी तंजीम के हवाले क्योंकि टाइम अस बड़ा मुख्तसर है बटल छत्र फ्लाई तंजीम जी अस अज तो दो साल पहले इसकी बुनियाद रही थी दो ढाई साल पहले जिस तो भी शुरुआत बिच अस नाल आजी नेमत खान साहब हैं छत्र प्लैन कलांडी तो जेडे अजक पाकिस्तान बिच हैं और उन्होंने बड़ी जुदजहद रही अस नाल यासर सुलमानी साहब असें फिर इस तरह हफीज भाई नस्ते बटल मलक का तालक है उन्होंने फिर अब्दुलायास भाई नस्ते शफीक गुल साहब इस तरह और अस्ते अजी साबर साहब होंगे से जी जे अजकल पाकिस्तान बच्चे छुट्टी पर गए और बाबू अकरम साहब हैं इन्हों की बड़ी मेहनत और कोशिश है असं नाल और जो प्लेटफॉर्म एक बनया उस टाइम उस बच्चे ना बड़ा किरदार अदा की अस नाल बड़ी जिदोजहद की असी और एक बहुत यानी कि बड़ी सख्त एक मेहनत स्ट्रगल असं की इस तंजीम वास्ता अल्लाह पाक सुना सो इस पर कामयाबी दी इस तंजीम के हवाले नाल अस्ते मुनसफ भाई नास्ते एक ग्रुप लीडर हैं मैं उन्होंने तो भी दरखास्त कर सा कि अज की मसरूफियात उन्होंने ज्यादा होंगे ड्यूटी होंगी उन्होंने
कि वो बाकी जो ग्रुप लीडरान जिन्हें नाल उन्हों का राबता है, जिस तरह लियाकत खुर्शीद साहब इन ग्रुप लीडर हैं, बाकी इस तरह कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन्हें ना इस टाइम गजेन नहीं हिदायत तो लग भाई इन्हें इस तो नजीम बच्चे आने थे रियाज कोटली पारे ज्यारत नाल उन्होंने तालक है, वो भी ग्रुप लीडर हैं। मैंने तमाम साथियों तो दरखास्त कर सा कि ये कल का जो प्रोग्राम वास्ता है दिन 2 बजे का वादी लबन उस पिछे अपनी शिरकत जड़े थे यकीनी बनावन, और नाल जितने अगर और भी कोई इस तरह मैंबर हजरात होवन उन्होंने भी नाल कहनावन। चलो इस बारे भी असी तंजीम के हवाले नाल एक इसको अपडेट करके और नवा कोई यह जहाँ लाए अमल तय करते हैं जड़ा इलाके के लोगों वास्तव मुफीद हो। इस बिच स्टार्टिंग भी असा नाल हाजी मोहम्मद इदरीस साहब जी अस बटल टठे वाले उन्होंने भी बड़ा किरदार असा बड़ी सपोर्ट की उन्होंने असा नाल हाजी अब्दुल वकील साहब हैं, इस तरह अब्दुल कयूम भाई हैं मदीने तो स्टार्टिंग में बड़ी मतलब असा नाल जिदोजहद की असी और मदीने रेजन तो असा नाल होंगे असिस्टेंट जी शफी अस्ते शफी रिमान साहब जी और नवीद भाई जायद खान हो गए बाबर खान इन्होंने बड़ी जिदोजहद की असी इस तंजीम के हवाले नाल। फिर इस तरह अस नाल जद्दे बिच होंगे असी जी राफिज खान साहब होंगे असी अमीर साहब अब्दुल कादर भाई हैं तामस भाई ये स्टार्टिंग तो असी तंजीम की इस बुनियाद जो रही है इन्होंने लोगों का बड़ा अहम किरदार रहा असा नाल। और इसी तरह आपा बिच उस टाइम वास्ते एक दोस्त अहबाब होंगे असी उन्होंने उन्होंने सारे को इस प्लेटफॉर्म पर आने वास्ता वास्ते एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद लियाकत भाई उन्होंने बड़ा अहम किरदार रहा इस पर मैं उन्होंने बड़ा मशहूर हाँ, बल्कि मैं तमाम अपने बटल छत्र के जो लोग हैं उन्होंने सारे ने मैं मशहूर हाँ कि इस तंजीम के हवाले ना उन्होंने बड़ा असंत साथ दिता है बड़ी जिदोजहद की असी उस टाइम तो उसी जिदोजहद और मेहनत और कोशिश के तनाजर भी अल्लाह पाक सुना सको एक कामयाब तंजीम दी जो कि असी इतने अपने परदेसी भरावों की असी खिदमत खातर करते हैं अदना जी कोशिश होती है बाकी अल्लाह पाक कबूल फरमावे। तो मैं बाकी भी जितने दोस्त अहबाब वास्ते हैं असे बटल छत्र तो मैं उन्होंने तो गुजारिश कर सा अगर इस बटल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो अगर वो असन की आवाज़ उन्होंने तक पहुँचती है तो वो अस नाल असं अपने राबता कॉन्टैक्ट नंबर दे सा उसते असंजे तंजीम के किसी फर्द नाल भी राबता करके जिम्मेदारान नाल अपनी इस तंजीम की शमूलियत इख्तियार कर गन और अपने कार्ड जड़े वह बढ़ा गन। इंसान पैदा होया मरना वास्ता ते इस खातर परदेस थे फिर कला को अल्लाह ना करे अगर किसी की फोतगी हो जुलदी ने इस तरह अल्लाह तमाम परदेसियों का भी हिफ्ज़ उमान भी रहे, लेकिन बड़ी मुश्किलात होंगी फिर क्योंकि थे कानून है वो सारे वास्ते बराबर है एक अमीर है या गरीब है उस वास्ते भी, लिहाजा इतने अपने हर आदमी को कोशिश होनी चाहिए अपने आप को कानून के मुताबिक बराबर रहे थे हर हिसाब में चाहे उसका एक काम है पासपोर्ट है शनाती कार्ड है कोई चीज़ भी है डॉक्यूमेंट्स वीज़ा सब कुछ जो लीगल तरीके ना रहे हैं परदेस है कल को किसी जगह बिच कोई भी मसला हो सकते है इंसान वास्ता कल की परेशानी तो बचना वास्ता आज ही आप हर इंसान कोशिश करे जो खास कर इतने दियार गैर भी रहने वाले इतने परदेसी प्राण कि आप आपको लीगल रहन हर हिसाब न बाकी मैं रियासत खान जहांगीरी साहब तो रिक्वेस्ट करता कि वह इन तंजीम के हवाले नाल बाकी रियाज का विजिट ऑन करते हैं इस हवाले नाल अपने कुछ ख्याल का इजहार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया जफर इकबाल भाई आपने यहाँ हमारी मेहमान नवाजी की हमें बुलाया, हम उम्रे पर आए थे और मदीना नवरा में थे तो आपकी काफ़ी इसरार के बाद हम यहाँ रियाज आए और बहुत अच्छा लगा।
अभी आपकी फ्लाई जो तंजीम है बटल और छतर, इस हवाले से आपका जो किरदार है वो बहुत बेहतरीन है, उसको हम सराहते हैं। और इस हवाले से जो यहाँ पाकिस्तान के मुकीम लोग हैं या बटल छतर या दीगर इलाकों के जितने भी लोग यहाँ पे बरसरे रोज़गार है अपने पास प्यारों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, उनके लिए जो मुश्किलात यहाँ पे पेश आती हैं उनको हल करने के लिए आप लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये हमें देख के बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग, आपकी पूरी टीम, आप हो गए अब्दुल्ला अयाज हो गया, बाकी हाजी साबिर जो हमारे दोस्त हैं और नियामत खान, नियामत जो हाजी नियामत जो वो भी हमारे दोस्त हैं, उनका जो ये उन्हें जो ये पौधा लगाए ये बहुत अच्छी काविश है जो इंशाल्लाह हमेशा जारी रहेगा। और ये ऐसे कारनामे होते हैं कि जो हमेशा याद किए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान में होंगे, लेकिन ये तसलसल जारी रहेगा। तो यहाँ पे डेड बॉडीज होती हैं, लोग फौत हो जाते हैं, पाकिस्तानी बटल के छतर के दीगर इलाकों की रहिश, तो उनको ले जाने के बड़े मसाइल होते हैं। महीने पहले हम देखा करते थे, हम सुना भी करते, हमारे भी अजीज यहाँ पे रहते थे, तो जो भी यहाँ पे फौत हो जाता था तो उनके दो दो तीन तीन महीने लग जाते। तो वो आप लोगों ने मेरे ख्याल में अभी विद इन वन वीक या इस तरह कुछ जो आप बेहतर बता सकेंगे, लेकिन बहुत जल्द आप उनको डेड बॉडी पाकिस्तान पहुँचा देते हैं, उनको 20-25 हज़ार रियाल भी देना, ये एक सिस्टम पूरा बना रखा है आप लोगों ने जो बहुत अच्छी बात है। सब पाकिस्तानियों में इसमें शामिल होना चाहिए और यहाँ पे जितने भी दियार गैर में मुकीम है यहाँ पे अपने प्यारों की खातिर यहाँ पे आए हुए हैं, वतन को छोड़ के सात समंदर पार यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको सबको इनमें शामिल होना चाहिए और इस सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। और अपने ये किस्म की पॉलिसी है जिसको बीमा पॉलिसी भी बोल सकते हैं, स्टेट लाइफ के तरीका इसको भी आप बोल सकते हैं कि आपको एक मुस्तकबिल महफूज होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा इस बटल छतर फ्लाई तंजीम के ज़रिए। तो मैं आप लोगों को इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूँ, पाकिस्तान में हमारे लायक इसके लिए जितनी भी खिदमात दरकार होंगी हम उसके लिए हाजिर होंगे पूरी टीम के साथ। तो आखिर में आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, आपने रियासत खान जहांगीर साहब की बातें भी सुनी, हमारे दोस्त जफर इकबाल साहब की भी तफसीली बातें सुनी। यहाँ पर उन्होंने तंजीम बनाई और तंजीम का मकसद, असल मकसद ये है कि यहाँ पर जो मकीम लोग हैं रोजगार के सिलसिले में आए हुए हैं, इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है, खासकर जब वो बीमार हो जाते हैं और खास खसूसी तौर पर अल्लाह के हुक्म से कोई यहाँ पे हादसा हो जाता है, वफात पा जाते हैं, किसी वजह से वफात पा जाते हैं, तो उनको पाकिस्तान उनकी डेड बॉडी को लेकर जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, उसके लिए बड़े यहाँ पर बड़े पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो बना पूरे ख़ानदान के साथ, वो अकेला भी हो सकता है, तो उसको घर वालों के लिए अलहदा परेशानी, यहाँ के लिए अलहदा परेशानी, जिसके लिए उन्होंने एक तंजीम बना रखी है ताकि यहाँ पर किसी के साथ कोई भी वाक़ पेश आए, हादसा पेश आ जाए, तो ये तंजीम ही काम करती है, उसके माली मामला हों, उसके दीगर सरकारी मामला हों, उनके ट्रैवलिंग का मसला हो, तो ये तंजीम यहाँ पर उनके ये सारे इंतजाम करती है, तंजीमों ने तैयार की है। इस तंजीम का कल बरोज़ जुमा एक बहुत बड़ा मशावरती मीटिंग भी है, उसी मीटिंग में इंशाल्लाह हम शिरकत करेंगे और उसकी कवरेज भी करेंगे। उसी सिलसिले में उन्होंने आज बुलाया हमें और उसमें 400-500 इनके मेम्बरान हैं, शायद इतनी तादाद में वो शामिल भी हों, मेम्बरान अहदेदारान हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जफर इकबाल भाई, यहाँ पर अपना डिप्टी भी करते हैं और साथ मीटिंग में सिर्फ अहदेदार शिरकत करेंगे। कल की मीटिंग जो है इनके मेंबरान की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कल की मीटिंग जो है उसमें अहदेदारान होंगे, वो इसमें शरीक होंगे और मशावरत होगी इस हवाले से। तो जफर इकबाल भाई हमारे साथ हैं, तो हम ज्यादा वीडियो लंबी करेंगे तो हमें पता है कि आप लोग बोर हो जाते हैं। हम इंशाल्लाह अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, हम तो पूरे सऊदी अरब में घूम रहे हैं लेकिन आपसे इजाजत चाहेंगे, जब कोई अच्छा पॉइंट आएगा, अच्छा मौका आएगा, अच्छी जगह आएगी, मजीद अच्छी जगह आएगी, तो फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।